आतंक के खिलाफ इसराइल के साथ खड़ा है भारत। पीएम नेतन्याहू ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात, युद्ध के ताजा हालात पर दिया अपडेट। पीएम मोदी ने कहा आतंकवाद किसी भी रूप में हो वो इंसानियत के खिलाफ है। इसराइल के राष्ट्रपति ने हमास पर हमले का वीडियो शेयर किया, लिखा पूरी ताकत के साथ लड़ते रहेंगे। इसराइली वायुसेना का दावा, हमास का वित्त मंत्री जवाद अबू शामला को मार गिराया। हमास के आतंकी अड्डों पर इसराइली एयरफोर्स के हमले जारी, 250 से ज्यादा ठिकानों को बनाया निशाना। तेल अवीव और पूरे इसराइल में सायरन की गूंज, लोगों को हमास के हमलों से कर रही है अलर्ट। गाजा के इस्लामिक यूनिवर्सिटी पर बरसाए गए बम, इसराइली फाइटर विमानों ने किया टारगेट। आतंकी संगठन हमास की इसराइल को धमकी, गाजा पर अटैक नहीं रुके तो बंधक इसराइलियों का करेंगे कत्ल। हमास के हमले में 900 से ज्यादा इसराइलियों की मौत, 2600 से ज्यादा घायल। इसराइली हमले में करीब 770 फिलिस्तीनियों की मौत, 4000 लोग घायल। इसराइल हमास के बीच मीडिएटर बना कतर, दोनों पक्षों से कैदियों की अदला बदली के लिए बातचीत की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसराइल पर फिलिस्तीनी हमले को दुखद बताया, कहा यहूदी विरोधी भावना से अमेरिका का हर परिवार आहत। इसराइल फिलिस्तीन युद्ध पर अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई का बयान, अपने देश की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाने को तैयार। इसराइल हमास के बीच जंग अमेरिका की मिडिल ईस्ट नीति की विफलता का परिणाम, रूस के राष्ट्रपति का बयान। इसराइल पर हमास के हमले से ईरान का किनारा, कहा कोई मदद नहीं की, आरोपों को गलत बताया। इसराइल को मिला अमेरिका ब्रिटेन समेत 5 देशों का समर्थन, ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी कर कहा आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं। हमास को घेरने की पूरी तैयारी, तनाव बढ़ने पर इसराइल सेना ने टैंक तैनात किए। अमेरिका और भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, दोनों का ही हमें समर्थन, भारत में इसराइल के काउंसलर जनरल का बयान। गाजा और इसराइल में युद्ध अपराधों के स्पष्ट सबूत हैं, संयुक्त राष्ट्र आयोग का बयान। लंदन में इसराइल और फिलिस्तीनी समर्थकों के बीच झड़प, हाई स्ट्रीट केसिंगटन अंडरग्राउंड स्टेशन पर भिड़े दोनों गुट। इसराइल से लौटने के बाद नुसरत भरूचा ने बताया आंखों देखा हाल, कहा हर तरफ धमाके, बेसमेंट में छिपी थी। इसराइल हमास युद्ध के बीच दिल्ली में शबाड हाउस और इसराइल दूतावास की बढ़ाई गई सुरक्षा। इसराइल मामले में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सरकार से कोई नाराजगी नहीं, भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी हो। फिलिस्तीन के प्रति कांग्रेस के रुख पर भड़के एमपी बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा, कहा कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ। तेलंगाना से गृहमंत्री अमित शाह के हुंकार, कहा केसीआर की गाड़ी का स्टेयरिंग ओवैसी के पास, राज्य सरकार ने गरीब किसान के लिए नहीं किया काम। केसीआर का एक ही लक्ष्य, बेटे केटीआर को सीएम बनाना, जन गर्जना सभा में बोले अमित शाह। परिवारवादी पार्टियों से लोकतंत्र को खतरा, केसीआर अपनी पार्टी के सिद्धांतों की करे घोषणा, अमित शाह का बयान। केसीआर के बेटे केटी रामा राव का अमित शाह पर पलटवार, पूछा अगर वो केंद्रीय गृह मंत्री नहीं होते तो क्या जय शाह बीसीसीआई सचिव बनते। दिसंबर से अल्पसंख्यक स्नेह संवाद कार्यक्रम करेगी बीजेपी, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का बयान। बीजेपी सांसद रमेश भिदुड़ी का राहुल गांधी पर अटैक, कहा आतंकियों का समर्थन करना कांग्रेस का इतिहास। एमपी के शाहडोल में बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी, कहा इनके लेबोरेटरी में मरे हुए लोगों का होता है इलाज। राहुल गांधी ने ओबीसी का मुद्दा भी उठाया, कहा भारत सरकार के 100 रुपए के खर्च में सिर्फ 5 रुपए का निर्णय लेते हैं ओबीसी अफसर। राहुल के बयान पर कैलाश विजयवर्गीय का पलटवार, झूठे आरोप लगाकर नहीं बनती सरकार, जनता देगी जवाब। कैलाश विजयवर्गीय का कमलनाथ पर पलटवार, कहा प्रदेश की जनता बीजेपी के साथ, जल्द दूर होगी उनकी गलतफहमी। राहुल के तेलंगाना में सरकार बनाने के दावे पर के कविता का निशाना, कहा वो भ्रम में जी रहे। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले सीएम गहलोत, विधानसभा चुनाव को लेकर किया मंथन। हम चाहेंगे राजस्थान में चुनाव प्रचार के लिए आए सोनिया गांधी, मुलाकात के बाद बोले अशोक गहलोत। राजस्थान में जातिवार जनगणना पर बोले गहलोत, बीजेपी को करना चाहिए समर्थन, पीएम मोदी से भी लागू करने की उम्मीद। एमपी चुनाव में कांग्रेस की होगी जीत, सपा सांसद शफीकुर रहमान बोले घबराहट में बीजेपी। राजस्थान में बीजेपी की लिस्ट पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, टिकट न मिलने से नाराज नेताओं से पार्टी कर रही बात। 2024 में पीएम मोदी का कोई विकल्प नहीं, जीतन राम मांझी का बयान। राजस्थान कांग्रेस चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान, बीजेपी में टिकट को लेकर मारामारी। टिकट नहीं मिलने पर भावुक हुए पूर्व विधायक मामन सिंह, अपने समर्थकों से कहा अगर चुनाव लड़ूंगा तो तन मन धन से करना होगा सपोर्ट। पुडुचेरी की ट्रांसपोर्ट मंत्री चंद्रा प्रियंका ने छोड़ा पद, सीएम को भेजा इस्तीफा। पीएम मोदी ने की उच्च स्तरीय बैठक, 15 अगस्त के संबोधन पर योजनाओं पर अधिकारियों से ली स्टेटस रिपोर्ट। 12-13 अक्टूबर को उत्तराखंड जाएंगे पीएम मोदी, सीएम धामी बोले पिथौरागढ़ में होगी विशाल रैली, परियोजनाओं की भी मिलेगी सौगात। 3 दिवसीय श्रीलंका दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, कोलंबो में आईओआरए की 23वीं मंत्रिपरिषद की बैठक। शरद गुट के नेता जयंत पाटिल के आरोपों पर बोले स्पीकर नावरेकर, संविधान के अनुसार अयोग्यता पर होगा फैसला। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लालू यादव को बताया राजनीतिक कैंसर, उन्हें नीतीश कुमार की पार्टी ने भेजा जेल। बिहार बीजेपी चीफ के बयान पर तेज प्रताप यादव का पलटवार, दीमक की तरह बीजेपी को खोखला कर रहे हैं सम्राट चौधरी। 2024 तक विपक्ष के प्रमुख नेताओं पर जारी रहेगी छापेमारी, ईडी रेड पर बोले संजय राउत। टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग का हब बना भारत, पीएम मोदी के प्रयासों से मिली कामयाबी, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान। शिंदे कैबिनेट में महिला सशक्तिकरण पर बड़ा फैसला, एक लड़की योजना शुरू करेगी सरकार। इंडिया लाइंस पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला, अभी तक सीट बंटवारे की बात नहीं, मुझे इसका अफसोस। उमर अब्दुल्ला के बयान पर बोले संजय राउत, विधानसभा चुनाव के बाद सीटों का बंटवारा जल्द शुरू हो जाएगा। सीएम भूपेश बघेल का मोदी सरकार पर अटैक, गंगा जल पर 18% जीएसटी लगाना गलत, बीजेपी का सनातन की बात करना छलावा।
चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 31 अक्टूबर को होगी सुनवाई। दिल्ली के शराब घोटाले में फंसे आप सांसद संजय सिंह को कोर्ट से नहीं मिली राहत, 3 दिन और बड़ी रिमांड, अब 13 अक्टूबर तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे संजय सिंह। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है मोदी सरकार, इंडिया गठबंधन से बीजेपी को हार का डर, राघव चड्ढा का बयान। राघव चड्ढा ने सरकारी बंगला खाली करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का किया रुख, ट्रायल कोर्ट के फैसले को दी चुनौती। दिल्ली में आप विधायक अमानतुल्लाह खान के घर 10 घंटे तक चली ईडी की कार्रवाई, वक्फ बोर्ड घोटाले को लेकर छापेमारी। अमानतुल्लाह खान ने कहा बिना बताए आई ईडी की टीम, पहले भी कुछ नहीं मिला था अब भी नहीं मिलेगा। दिल्ली में क्राइम ब्रांच ऑफिस पहुंचे सीएम गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा, फोन टैपिंग मामले में पूछताछ। वीवो कंपनी से जुड़े मामलों में ईडी का एक्शन, पीएमएलए के तहत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। न्यूज क्लिक मामले में 10 दिन की न्यायिक हिरासत में पुरकायस्थ और चक्रवर्ती, चीन से पैसे लेने का है आरोप। दिल्ली के कड़कड़ुआ मेट्रो स्टेशन पहुंचे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, एंटी डस्ट कैंपेन अभियान का उल्लंघन पाया गया। पटना से भीम सांसद जागृति रथ रवाना, सीएम नीतीश ने रथ को दिखाई हरी झंडी। एसवाईएल मुद्दे पर चंडीगढ़ में अकाली दल का प्रदर्शन, भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने किया वाटर कैन का इस्तेमाल। चेन्नई में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया। मुंबई में दशहरा रैली पर शिंदे गुट का फैसला, क्रॉस ओवर मैदान में होगा आयोजन। शिंदे गुट के नेता उदय सामंत का बयान, दशहरा रैली को लेकर नहीं चाहते टकराव, मैदान को लेकर जल्द होगा फैसला। पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की पहली पुण्यतिथि, इटावा में अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव ने दी श्रद्धांजलि। लखनऊ में मुख्तार अंसारी की जब्त जमीन पर बनेंगे 72 ईडब्ल्यूएस आवास, यूपी सरकार ने दी मंजूरी। यूपी सरकार का एलडीए को जमीन ट्रांसफर करने का आदेश, डालीबाग में मुख्तार की कोठी की गई थी ध्वस्त। लखनऊ में 393 होम्योपैथिक फार्मासिस्टों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र, सीएम योगी ने दिए अपॉइंटमेंट लेटर। मेरठ में चलाया गया कबाड़ से जुगाड़ अभियान, वेस्ट मटेरियल से बनाई महात्मा गांधी की मूर्ति। गुवाहाटी में ईस्ट टेक इवेंट का आयोजन, भारतीय सेना और असम सरकार ने टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए किया ज्वाइंट प्रोग्राम। बेंगलुरु में कन्नड़ संगठन के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया, कावेरी मुद्दे पर हाईवे किया था जाम। दिल्ली में बीजेपी का सीएम केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन, शराब घोटाले को लेकर जमकर की नारेबाजी। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन ने कहा मनरेगा लोगों का कानूनी अधिकार, पश्चिम बंगाल में लोगों को इससे वंचित किया जा रहा है। मुंबई में आयुर्वेद उत्सव अभियान की शुरुआत, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल बोले हमारा लक्ष्य है कि 100 से ज्यादा देश आयुर्वेद दिवस में शामिल हो। सिक्किम आपदा पर कांग्रेस का सवाल, 6,800 लोग रिलीफ कैंपों में रह रहे हैं, केंद्र सरकार ने नहीं की मदद। दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट का किया भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार, लैपटॉप और 6 मोबाइल जब्त। नागपुर डीआरआई की बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ से ज्यादा का ड्रग्स बरामद किया। आगरा में मुठभेड़ के बाद 4 बदमाश गिरफ्तार, डकैती मामले में थे वांटेड। इटावा में 2 बच्चों की हत्या का खुलासा, आरोपी बड़ी बहन को पुलिस ने किया अरेस्ट। बलिया में मगई नदी पर निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिरा, कथरिया फिरोजपुर के बीच बन रहा था पुल। शिवपाल यादव ने लॉ एंड ऑर्डर पर उठाए सवाल, कहा योगी सरकार में अपराधियों का मनोबल बढ़ा। जम्मू कश्मीर के गांधरबल में बर्फबारी, सोनमर्ग जो जिला सड़क बंद, हर जगह देखी बर्फ ही बर्फ। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फबारी, ऊंचे इलाकों में बिछी बर्फ की चादर। चंडीगढ़ पीजीआई के नेहरू अस्पताल में लगी आग, 415 मरीजों को सुरक्षित निकाला गया। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में नाबालिग छात्रा का शव बरामद, पुलिस ने शुरू की जांच। डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ रुपया, 3 पैसे बढ़कर 83.25 रुपए पर हुआ बंद। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 567 अंक उछला, निफ्टी में भी 177 पॉइंट की बढ़त। मुकेश अंबानी सबसे अमीर भारतीय बने, हुरून रिच लिस्ट में 8.08 लाख करोड़ वेल्थ के साथ टॉप पर। आईटीआर रिफंड पर सीबीडीटी के चेयरमैन का बयान, इस साल हमने 3 करोड़ से ज्यादा रिफंड दिए हैं। एशियाई खेलों में कमाल करने वाले खिलाड़ियों से मिले पीएम मोदी, कहा विदेश धरती पर सबसे ज्यादा मेडल भारत ने इस बार जीते। महिला खिलाड़ियों की भी पीएम मोदी ने की तारीफ, कहा हमारी नारी शक्ति ने अच्छा प्रदर्शन किया। पान मसाला ऐड करने पर अक्षय कुमार का बयान, बोले ये 2021 में शूट किया था, कभी तंबाकू को नहीं करूंगा प्रमोट। राजकुंद्रा ने अनाउंस की फिल्म UT69 से करेंगे एक्टिंग डेब्यू, टीजर में साथ दिखे फराह खान और मुनव्वर फारूकी।